Hey guys, it's vlog time for me. It's 9:40 and we are still very tired. Very tired. We are here. रात को हम आपको कहाँ छोड़ा था अपने आपको? I think we were at the पंजाब भवन, है ना? ढाबे तो छड्या सी। नहीं, पंजाब भवन तो छड्या सी। उत्थों बाद असी फिर रात में डिसाइड कर लिया सीगा भी असी चलिए आगरे, बट आगरे नू थोड़ा जिहा ट्रैफिक भी ज्यादा सी ते फिर टाइम भी हो गया सी। एक्सप्रेस वे सीगा। वे तो बड़ा ना ट्रैफिक, सॉरी ट्रैफिक नहीं था, मतलब बहुत अच्छा वे था वो। तो रात को टाइम ज्यादा हो गया था, सो थोड़ा ज्यादा थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो हमने रात को यहाँ वृंदावन रुकने का डिसाइड किया, ज्यादा दूर क्यों जाना है। रात को फिर हम जहाँ वृंदावन रुक गए थे, तो अभी हम यहाँ से बट वी आर स्टिल 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम वृंदावन। वी वांट टू एक्सप्लोर वृंदावन, बट देखते हैं, बट लेट्स सी, देयर इज लिमिटेड टाइम, बट डेस्टिनेशंस आर Very much. So, stay tuned for more. Oh, कितने साड़ा ब्लॉगर दिखे क्या मेरे ब्लॉगर? ओ यार सही है, ठीक है यार, ये यार ठीक है हमारा ब्लॉगर। निधि वन जा रहे हैं, दर्शन करके आएंगे। इनकी हिस्ट्री ये थी कि जो ये हम मंदिर में मत्था टेक के आए हैं, वहाँ की जो मूर्ति थी वो निधि वन से मिली थी। राधे राधे। अंदर आ गया ना, वृंदावन में हंसे उसका घर बसे, वृंदावन में रोवे और अपने नैना को, तो ये प्रेम की भूमि भगवान के घर में आके ऐसा होगा, भगवान आपको आपके घर में ऐसा के रखे। तो ये ठाकुर जी के स्थान पे आप खड़े हो, स्थान को बोलते हैं तीन नाम, उसे तीन नाम कौन से जी? पहला निधिवन, दूसरा मधुवन और तीसरा वृंदावन घर। ये मधुवन में राधिका नाचे और गिरधर की मुरलिया बाजे, यही भगवान कृष्ण आज भी गोपियों के साथ में प्रतिदिन डेली रास करने के लिए आते हैं। ये जगह रात्रि को 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसके अंदर में आज भी चिड़िया, कौवा, बंदर, मनुष्य, पक्षी, कोई जीव जंतु इसके अंदर रुक नहीं सकते। लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि रास करने के लिए आते नहीं आते, लोग आकर के छुप जाते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि आते नहीं आते। सुबह जब मंगल आरती होती है, भक्त लोग आते हैं, भारतीय भी लोकल के यात्री भी आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, जो अंदर छुपा होता है, तो आने वाले व्यक्ति को सुबह ये नहीं बता सकता कि मैंने प्रभु को रास कर दिया, ये मेरे गोपियों को नृत्य कर दिया। लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, भूमा, पागल, इस अवस्था में उसका मृत्यु होता है। कहते हैं शरीर को काल खा ले, लेकिन नाम को काल नहीं खा। तो वृंदावन में नाम लिखा गया और जन्म जन्मांतर दुखनी तावे, अंत काल वैकुंठ हो। ये चार धाम के माता पिता का घर है, जो 7 चीजें हिंदू धर्म में कंपलसरी होती है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथपुर। आज भी कोई भक्त अपने माता पिता संपूर्ण परिवार को चार धाम और ब्रज 84 को यात्रा नहीं करा पा, वो वृंदावन आने से अपने माता पिता परिवार का नाम वास कराने से और ठाकुर जी का भोग लगाने से। चार धाम ब्रज 84 को यात्रा संपूर्ण मानते हैं कि चलेंगे वृंदावन धाम और अमर करेंगे पूज अपने माता पिता का मरना। तो ये माता पिता के नाम का भूमि है वृंदावन, घूमने का जगह। इसी मधुबन में
स्वामी हरिदास जी तानसेन बेरुआ के गुरु, जिन्हें म्यूजिक किंग कहा जाता है, संगीत के सम्राट। 12.5 वर्ष उन्होंने भजन किया इस मधुबन के अंदर में। उन्हीं के भजन से जो मूर्ति भूमि से प्रकट हुई। वृंदावन के अंदर में 5,500 मंदिर है। घर घर में मंदिर है, मंदिरों का कमी नहीं है। दो ही मूर्ति ऐसा है जो स्वयं में जमीन से उगा, बाकी जो मंदिरों में मूर्ति देखो कि कारीगर पेंटिंग का बनाया हुआ मूर्ति मिलेगा। पहला मूर्ति जो दर्शन आप करके आए हो बांके बहरी, आप सबको पता होगा, जानते होंगे बांके बहरी के दर्शन करके आए। लेकिन आपको ये पता है कि बांके बहरी क्यों बोला जाता है? दर्शन करने जरूर आए। बांके बहरी इसीलिए बोला जाता है, जैसे आप और हम दो पैर से खड़े होते हैं तो कन्हैया कभी ऐसे खड़े नहीं होते। कन्हैया इस प्रकार से खड़े रहते हैं, पैर कमर गर्दन शरीर को अंग को तीन प्रकार से टेढ़ा किया, तो टेढ़े शरीर वाले को बांका बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बांका में क्या होता है? टेढ़ा। शुद्ध अर्थ भाषा है बांका का, टेढ़ा। इसीलिए उनको बांके बहरी कहते हैं। जो दिल्ली के सेठ हरगुलाल ने लगभग 155 साल पहले पुत्र कामना पूर्ण होकर मंदिर का निर्माण किया, आज भी मंदिर के अंदर में बनवाने के बाद गोस्वामी लोग अर्पित किए, आज भी वो सेवा हुआ है वो गोस्वामी लोग आए। वृंदावन बिहारी जिसके लिए वृंदावन आए कि देखी रे देखी दाऊ तेरी वाणी और दूध का दूध पानी का। जैसे वैष्णो देवी जाओ और भैरव बाबा का दर्शन भी करो तो दर्शन थोड़ा आधा माना जाए। तो ये वृंदावन कृष्ण और बलराम हरगुलाल जी, हाँ आज भी सबसे प्रथम जो भोग लगता है बिहारी जी में उनके परिवार का सबसे प्रथम भोग। आप 10 लाख रुपया दोगे 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला जो थाली में भोग आएगा वो हरगुलाल के परिवार का लगेगा प्रथम। आज भी उनका संतान है तो आज भी। दूसरा है वृंदावन बिहारी नंद बाबा का घर, जिसको चार धाम के माता पिता का घर और मनोकामना का तीर्थ आज भी। क्यों बोलते हैं कि आज वृंदावन में 5,500 जो मंदिर बसा हुआ है वो भगवान बलदेव जी के, क्योंकि द्वारका के राजा कन्हैया थे भैया, इसे द्वारकाधीश कहा जाता है। ब्रज के राजा हैं दाऊदयाल, इन्हें इसीलिए वृंदावन बिहारी कहा जाता है। तो आज भी जो भी कामना, आज बहुत भक्तशाली बहुत अच्छा दिन है, एकादशी का दिन, आज एकादशी है और यशोदा जी का उत्सव है, नंद बाबा की कमी नहीं है, कमी को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने बोला। आज ही के दिन आपको ठाकुर जी का पीताम्बरी वस्त्र और राधा रानी की ओढ़नी चुन्नी जो स्वागत माता बहनों को दी जाती है प्रसाद, वो आपको प्राप्त हो। यहाँ किसी भी पेड़ को आप देखेंगे हर पेड़ आपको मिलेगा राधा कृष्ण का प्रतीक। राधा कृष्ण का प्रतीक कैसे? कि राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा, एक प्राण तो देही और राधा कृष्ण से। आपका यहाँ जहाँ से भी आप आए उधर पति पत्नी का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण का वैल्यू है, राधा कृष्ण का भाव है, तो यहाँ राधा कृष्ण के नाम से बन जाए। हर पेड़ आपको राधा कृष्ण का प्रतीक मिलेगा। यही पेड़ है जो गोपियों का आज भी भाव निकल के आता है पेड़ों के अंदर। तो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की आज के हम यहाँ से बट वी आर स्टिल 7 किलोमीटर।